हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पे आज से 5 साल पहले किसी से चैट की है या रिसेंट में किसी से चैट कर रहे हैं और वो चैट को अगर आप दोनों तरफ से डिलीट करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो में प्रूफ के साथ आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर हैं जो किसी से चैट करते हैं और वो चैट को जब वो डिलीट करने जाते हैं तो वो तो अपना चैट को डिलीट कर ही लेते हैं, लेकिन अगले यूजर जो मैसेज भेजा हुआ रहता है वो चैट है जो दोनों तरफ से डिलीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज किस वीडियो में जो प्रोसेस बताने वाले उसमें आप अपना मैसेज को तो डिलीट कर ही सकते हैं, साथ में अगले यूजर जो मैसेज भेजा हुआ है वो भी मैसेज को आप डिलीट कर सकते हैं। और इस बात के प्रूफ के यहाँ पे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि दो इंस्टाग्राम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाला इंस्टाग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम अपने दूसरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन में आते हैं और उस अकाउंट को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे हम उस यूजर नेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कुछ मैसेज को यहाँ पे सेंड कर देते हैं। और सेंड करने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे हम अपने दूसरे इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने हाई मैसेज अभी टाइप किए वो है जो नीचे यहाँ पे आया हुआ। लेकिन इसी के साथ जब हम इस अकाउंट से कुछ मैसेज करेंगे तो मैसेज कर देने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे हम इस वाला इंस्टाग्राम में आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब हम इस मैसेज को डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे डिलीट फॉर यू का ऑप्शन आ जाता है। मतलब कि अपने में से सिर्फ आप डिलीट कर सकते हैं, अगले पर्सन में ये मैसेज है जो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मैसेज को डिलीट करने जाएंगे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनसेंड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज है जो दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुराना मैसेज को डिलीट करने जाएंगे जो कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले आप चैट किए होंगे, अगर वो मैसेज को आप डिलीट करने जाएंगे तो यहाँ पे अनसेंड का तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ से जैसे आप अनसेंड कर देंगे तो ये मैसेज है जो वहाँ पे अगले यूजर में से डिलीट नहीं होगा। और इस बात के प्रूफ के लिए आप अपने फोन में दो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर आप है जो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये मैसेज को हम डिलीट कैसे करें। इसी के साथ अगर आप बहुत सारे यूजर से यहाँ पे चैट किए हुए हैं अपने चैट बार में, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे यूजर का मैसेज को हम एक क्लिक में डिलीट कर सके तो वो प्रोसेस भी वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि आप दोनों तरफ से मैसेज को कैसे डिलीट करें। तो अब यहाँ पे जो भी यूजर में से आप दोनों तरफ से मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं उस यूजर नेम के मैसेज पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको उसको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल के साइड में जो 3 डॉट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे कुछ ऑप्शन ऐड हो जाएगा, इसी में आपको रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है इस पे आपको क्लिक करके रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समथिंग एल्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे फॉल्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही 3 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यही पे बहुत सारे यूजर मिस्टेक करते हैं। आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है उसके साइड में जो यूजर नेम आता है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपको सही टिक लग जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद बैक आते ही आपको थैंक्स फॉर रिपोर्टिंग दिस प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के नीचे आपको शो प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि कोई भी मैसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और अगले यूजर जब आपके अकाउंट में यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे भी कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो दोनों तरफ से डिलीट करने का ट्रिक हो गया। अब यहाँ पे एक क्लिक में बहुत सारे यूजर को मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर इस तरह से 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से आपको उस यूजर नेम को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही फिर से डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। जितना भी यूजर नेम को आप सेलेक्ट किए होंगे उसका सारा चैट आपके इंस्टाग्राम से डिलीट हो गया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पीआरपी टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।